दोस्तों Redmi हाल ही में लॉन्च किया है Redmi Note 12 सीरीज फोन को इंडिया में। ये अभी तक एक महीना भी नहीं हुआ है, अभी लीक रूमर्स आना चालू हो गया है Redmi Note 13 फोन का बारे में। ये फोन में क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, ये अभी रूमर्स आना चालू हो गया। ये फोन भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये फोन में क्या रूमर्स आ रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हो Redmi Note 13 5G फोन का बारे में जो प्रो सीरीज में आएगा, इसके बारे में जानना चाहते तो इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिए। ये फोन में जो प्रोसेसर होने वाला है काफी अच्छा बढ़िया फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है, फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आने वाला है। ये फोन में जो प्रोसेसर दिया जाएगा इसे लीक्स का थ्रू पता चल रहा है, इसमें क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अभी Redmi Note 12 सीरीज पहले तो मिड रेंज का फोन माना जाता है, लेकिन अभी Redmi Note 12 सीरीज फोन आया, ये भी मिड रेंज स्पेसिफिकेशन के साथ आया, लेकिन प्राइस ये फोन का 32,000 रुपीज तक 33,000 रुपीज तक गया है, फ्लैगशिप का लेवल का प्राइस पर चला जा रहा है। और अभी जो Redmi 13 सीरीज आएगा फोन, Redmi Note 13 सीरीज फोन, इस फोन का जो हायर वेरियंट होगा ये 35,000 to 40,000 रुपीज तक जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। इसमें जो प्रोसेसर होने वाला ये क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया जाएगा इसे लिख्स का थ्रू पता चल रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। ये क्वालकॉम का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर, ये 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर पर आधारित है, ये क्वालकॉम का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है इसका क्लॉक स्पीड है 3.1 गीगा क्लॉक स्पीड पर चलता है, ये काफी अच्छा बढ़िया फ्लैगशिप प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर। इसी प्रोसेसर के साथ ये फोन आने वाला है जो Redmi Note 13 Pro 5G फोन होगा, जो प्लस फोन होगा, जो सबसे हायर वेरिएंट होगा, इस फोन में ये प्रोसेसर दिया जाएगा इसे लीक्स का थ्रू पता चल रहा है। इसमें कैमरा भी काफी अच्छा बढ़िया देखने को मिलेगा। ये फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, जो अभी Redmi Note 12 Pro सीरीज में फोन में दिया गया है, इस फोन में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। ये अभी लीक्स और रूमर्स चल रहा है, ये कई कंफर्म नहीं है, ऐसे लीक्स आ रहा है। इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और इसमें बैटरी 5000 mAh का होगा। इसमें आपको 120 वाट का और 210 वाट का भी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो अभी दिया गया Redmi Note 12 सीरीज फोन में। इसी इस फोन में भी देखने को मिलेगा 13 सीरीज फोन में। ये फोन में डिजाइन बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा बढ़िया होगा, ग्लास पैक के साथ आएगा। ये फोन में काफी अच्छा बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन होने वाला है। ये फोन का प्राइस का बात करें तो ये फोन का प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है, जैसे स्पेसिफिकेशन तगड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसका प्राइस भी ऐसे ही ज्यादा होने वाला है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले लॉन्च हुआ था Redmi Note 11 सीरीज फोन, ये 11 सीरीज फोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता था अंडर 25,000 रुपीज पर, 24,000 में मिल जाता था हायर वेरिएंट। लेकिन अभी जो हाल ही में जो फोन लॉन्च हुआ Redmi Note 12 सीरीज फोन, 12 प्रो प्लस फोन, ये फोन 30,000 रुपीज से स्टार्टिंग होता है, 30,000 में पहले फास्ट वेरिएंट देखने को मिलेगा, और जो हायर वेरिएंट है ये 34,000 रुपीज पर देखने को मिलेगा। ये काफी ज्यादा प्राइस है, इस प्राइस रेंज पर लॉन्च किया गया। तो अभी जो फोन आएगा Redmi Note 13 प्रो प्लस फोन, ये जो फोन होगा जो फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, ये फोन का प्राइस होने वाला है 35,000 रुपीज से स्टार्टिंग होगा और आपको ये 40,000 रुपीज तक जाएगा। ये ऐसे ही देख देख के ये फ्लैगशिप में जा रहा है, और जब आएगा 14 आएगा 15,000 रुपीज 50,000 रुपीज पर मिलेगा, और जो 16 आएगा ये 55 जाएगा, और जो 17 आएगा आपको 60,000 रुपीज पर मिलेगा। ऐसे ही देख देख के ये फ्लैगशिप में होने वाला, ये फ्लैगशिप फोन होने वाला फ्लैगशिप में ही चला जाएगा। फ्लैगशिप में ये Xiaomi क्यों कर रहा है, ये Redmi क्यों कर रहा है पता नहीं, ये अंडर 30,000 रुपीज में सभी फोन रहना चाहिए। इस प्राइस रेंज पर Redmi Note 12 सीरीज या फिर Redmi Note सीरीज का जितना भी फोन है ये ठीक ठाक है, बढ़िया है। इस मार्केट पर यह टारगेट करना चाहिए था अंडर 30,000 रुपीज पर, या ऊपर क्यों जा रहा है मुझे पता नहीं, ये ऐसे क्यों कर रहा है Redmi, इसलिए तो इसका मार्केट भी यहाँ पर गिर रहा है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे नंबर 3 पर आ गया Xiaomi, पहले तो नंबर 1 पर था इंडिया पे, अभी यहाँ पे आ गया है नंबर 3 पर Xiaomi आ गया, तो ऐसे ही गिरते रहेगा क्योंकि ऐसे काम भी कर रहा है। अभी देख सकते हैं कितना हाई प्राइस रखा गया है यहाँ पे Redmi Note 12 प्रो सीरीज फोन का, प्राइस बहुत ही ज्यादा है, मुझे जहाँ तक लगता है ये प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस पर लॉन्च किया गया। तो अभी ऐसे होने वाला है Redmi Note
टार्टिन सीरीज फोन का, टार्टिन सीरीज फोन अभी ये कंफर्म नहीं है, इसे लिक्स रूमर्स आ रहा है, तो ऐसे हुआ तो ये प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, फ्लैगशिप वाला फोन हो जाएगा। अगर अंडर 13,000 रुपीज पर कुछ किया जाए तो ये बढ़िया रहेगा। आपको क्या लगता है किस प्राइस रेंज पर यहाँ पे आएगा रेडमी नोट 13 सीरीज फोन, या फिर आप वेट कर रहे हैं ये फोन के लिए, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस फोन में, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जब ये फोन का और लिक्स रूमर्स आएगा तो आप लोग मैं बता दूंगा, ये जो स्पेसिफिकेशन बताऊँ ये रूमर्स में लिक्स में पता चला है, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये ऐसे ही पता चला, ये चेंज भी हो सकता है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बताऊँ, तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड बोर्ड जब लगना है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग वैसे ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बताऊँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।